जिस हिसाब से इंडिया में वेब सीरीज रिलीज हो रही है, दिन पे दिन हमको एक से बढ़ के एक क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें से बहुत सारी सीरीज तो ऐसी है जिनका नाम आप आज पहली बार ही सुनोगे, लेकिन इन सारे सीरीज की स्टोरी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है। तो आज हम काउंटडाउन करने वाले बॉलीवुड की टॉप 7 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज की, जिनकी स्टोरी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, और इन सारी सीरीज को आपको थोड़ा भी मिस नहीं करना चाहिए। तो और ज्यादा बोर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 7, सनक एक जुनून। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस सीरीज की कहानी अजय और रागिनी नाम के कपल की है, जो कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इंदौर से मुंबई आए होते हैं। अजय एक लॉयर है, लेकिन अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो उसको अपने वाइफ को अपने बॉस के साथ शेयर करना होगा। तो क्या अजय प्रमोशन पाने के लिए ये सब कुछ करेगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा एडल्ट सीन होने की वजह से ये सीरीज़ 18+ है, लेकिन सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी फ्लैट है, तो इस सीरीज़ को आप अपने रिस्क पे ही देख सकते हो। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। পুরনো কবর খোলার চেষ্টা করুন, দাও সব লেগেছে। নাম্বার 6, তানসেন কা তানপুরা। ये एक म्यूजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है, लेकिन आपने आज से पहले ऐसी म्यूजिकल थ्रिलर वेब सीरीज नहीं देखी होगी। सीरीज की स्टोरी अलाप और श्रुति की है, जो कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन दोनों एक बैंड ग्रुप चलाते हैं और ये दोनों उसी बैंड ग्रुप में कॉन्सर्ट करते हैं। अलाप एक सिंगर है जो कि क्लासिकल और मॉडर्न सिंगिंग करता है, और श्रुति भी एक सिंगर है, लेकिन उसके फैमिली में पहले से ही कई लेजेंडरी सिंगर्स हैं, और अलाप भी उसकी मॉम से क्लासिकल सिंगिंग सीखना चाहता है। लेकिन सीरीज़ में ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों श्रुति के मॉम के पास जाते हैं, और वहाँ पे इनको एक मिस्टीरियस सा खजाना मिलता है, और उस मिस्टीरियस से खजाने का सॉल्यूशन भी म्यूजिक में ही छुपा हुआ होता है। तो क्या है ये मिस्ट्री और क्या है उसका सॉल्यूशन, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में म्यूजिक को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, अगर आपको भी म्यूजिक में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो ये सीरीज़ आपको थोड़ी भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ के अब तक टोटल 2 सीज़न आ चुके हैं, और हर सीज़न में आपको 10 या 9 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 5, डॉल हाउस डायरीज। ये एक थ्रिलर सीरीज है, लेकिन इस सीरीज की स्टोरी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। सीरीज की कहानी फोकस करती है एक मैथिली नाम की लड़की पे, जो कि एक टीचर है और डेली स्कूल में पढ़ाने जाती है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक संजय नाम के लड़के से होती है, और फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और बाद में वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि जो संजय का बिहेवियर है वो शादी के बाद बदल जाता है, और अब वो मैथिली को मेंटली टॉर्चर करने लग जाता है। तो आखिर संजय को मैथिली को टॉर्चर क्यों कर रहा होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में अच्छा खासा थ्रिल छुपा हुआ है, जो कि आपको एंड में मालूम पड़ेगा। ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। मेरे जिस्म को सुख चाहिए और मेरी कोख को आलाद, और मैं दूंगी इस हवेली को चिराग। नंबर 4, द रेडलैंड। अगर आपको भी मिर्जापुर, भौकाल और रंगबाज जैसी वेब सीरीज पसंद है, और आप भी उस लेवल की क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हो, तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट सीरीज हो सकती है। सीरीज की कहानी सेट है उत्तर प्रदेश के बनारस में, जहाँ पे दो भाई हैं और उन्होंने लगभग 30 सालों तक उस शहर पे राज किया होता है। लेकिन सीरीज की कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब उनके ही ड्राइवर का लड़का अब उनकी जगह लेने की कोशिश करने लगता है, और उसके बाद पावर के लिए जो क्राइम होता है और जो ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में भर भर के गाली और हद से ज़्यादा भी एडल्ट सीन्स हैं। अगर आप भी ब्रूटल और वायलेंट सीरीज़ नहीं देख पाते तो ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 3, कुरुति कलाम। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो कि आपको MX प्लेयर पे फ्री में ही देखने को मिल जाएगी। सीरीज की कहानी सेट है चेन्नई में, जहाँ पे एक डॉन का राज होता है, लेकिन अब उसकी तबीयत खराब हो चुकी होती है, जिसके वजह से वो अपना सारा कंट्रोल अपने ही दो आदमियों मारुति और वेंकटेश को दे देता है,
और यहीं से सीरीज में ट्विस्ट आ जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं और इसके बाद जो कुछ होता है वो जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में हद से ज़्यादा वॉयलेंस और गालियाँ होने की वजह से ये एक 18 प्लस सीरीज़ है। इस सीरीज़ में टोटल 13 एपिसोड्स हैं जो कि 30 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको एमएक्स प्लेयर पे ही देखने को मिल जाएगी। नंबर सेकेंड, तबार, ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज की कहानी फोकस करती है एक फैमिली पे। सीरीज की कहानी एक रिटायर पुलिस कांस्टेबल की जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ और दो बेटे होते हैं। उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है लेकिन फिर भी कैसे भी घर का गुजारा चल रहा होता है। और उन लोगों की लाइफ पूरी तरीके से तब बदल जाती है जब एक पॉलिटिशियन के भाई का मर्डर हो जाता है। तो क्या उस फैमिली का कनेक्शन होता है उस मर्डर से, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ काफ़ी डार्क और इंटेंस है जो कि आपको एंड तक अपने साथ हुक करके रखती है। इस सीरीज़ का अब तक एक ही सीज़न आया जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कोई भी रिव्यू पसंद आया होगा तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो और अगर आप हमारे चैनल पे नए होगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। या तो हमें मरना होगा और या तो पैसे लेके भागना पड़ेगा। तेरा प्लान में तो ठीक से काम नहीं कर रहा। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है मनी हनी। अगर आप भी मनी हिस्ट के फैन हो और इंडिया में इंडिया के लेवल की मनी हिस्ट सीरीज देखना चाहते हो तो अगली सीरीज आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज हो सकती है। सीरीज का नाम है मनी हनी और ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की स्टोरी एक ऐसे आदमी की जो कि ढाका शहर में स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहा होता है और स्टॉक मार्केट में उसका लक बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। उसने अपने क्लाइंट को बहुत प्रॉफिट कमा के भी दिया होता है लेकिन उसकी कुछ बुरी आदतें हैं। वो एक बहुत बड़ा जुआड़ी है और उसे ड्रिंक्स और लड़कियों का भी शौक होता है। और एक बार वो ऐसे ही किसी काम के चक्कर में अपने क्लाइंट का 50 लाख उड़ा देता है और अपने उस क्लाइंट को बोलता है कि वो स्टॉक मार्केट से उसको पैसे ला के दे देगा। लेकिन अगले ही दिन स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और अब इसके पास एक भी पैसे नहीं होते, जिसके बाद ये बैंक लूटने का एक परफेक्ट प्लान बनाता है और बैंक से 21 करोड़ लूटने के लिए एक सुरंग बनाता है। और बैंक लूटने के चक्कर में इनके ग्रुप से क्या क्या क्राइम हो जाता है और ये लोग कितनी बुरी तरीके से फंस जाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ को IMDb ने 8.2 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड्स हैं जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच। तो ये थी हमारी कुछ टॉप 7 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ जो कि हम सभी को थोड़ा भी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आपको इससे भी कोई अच्छी वेब सीरीज़ पता हो क्राइम थ्रिलर के जैनर में तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और मूवी और वेब सीरीज से जुड़े और वीडियोस के लिए आप इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।